गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, और हम हैं जोधपुर में। और ये देखिए मेरे साथ कौन है, सीताराम है। और हम आए हैं जसवंत थाड़ा, है ना। तो आज हम जोधपुर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जसवंत थाड़ा और उसके बाद हम जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं, वहाँ पे टिकट काउंटर है तो हम लोग टिकट ले लेते हैं। और आज कौन सा दिन है, आज 26 दिसंबर है, है ना। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज सारे मॉन्यूमेंट्स जो भी हम मैं बहुत बार देख चुकी हूँ लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं और अच्छा लगता है। तो पहले हम टिकट ले लेते हैं। तो हमने ले ली है टिकट, 120 रुपये की 4 टिकट आई है। तो चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, मैडम ने मना किया है, वो लोड भी लगा उसके पास। ठीक है, मैं बता, मोबाइल से यूज करो, कैमरे से करो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बता दूँ। तो इसका हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं ना। जसवंत थाड़ा जो है वो है एक छत्री, 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिताजी, उनका नाम था जसवंत सिंह, उनकी मेमोरी में उन्होंने ये छत्री बनाई थी। और उसके बाद जो है जितनी भी रॉयल क्रीमेशन होती है वो यही होती है, और उसके बाद वो छतरी बनाते हैं ना। तो बेसिकली इसका हिस्ट्री यही है जितना मैं जानती हूँ। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा जानते हो तो मुझे बता सकते हो। तो चलिए ओ यहाँ पे ना इतना अच्छा तालाब है, देखो ये देखो। अच्छा ऐसे पहाड़ी जगह पे ना कैसे तालाब हो गया होगा, लेकिन पथरीले जगह पे। हाँ ये खुद ब खुद आया हुआ पानी है ना, ये तो बारिश का तो नहीं लगता, यू नो। चलिए सीन सीनरी बहुत अच्छा है, ये देखो ये सारे रेड स्टोन के लाइक पहाड़ हैं, और नीचे देखो तालाब है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कौन यूज कर रहे थे कल से, नहीं एक्चुअली क्या हुआ था पता है, आमेर फोर्ट में ना वो सेल्फी स्टिक लेके जो फोटो खींच रहे थे ना, तो जैसे बादल फटा ना तो उससे करंट पास हो गया और लोग कितने मर गए ना। तो आई थिंक करने देते। राजस्थान की खूबी है, जहाँ भी जाओ म्यूजिक सुनने को आपको मिलेगा, इतना अच्छा लगता है। देखिए एंट्रेंस इतना अच्छा है, इस तरफ पानी, पहाड़, और ये है ग्रैंड स्टेयर्स। वहाँ से जो है ना वो बड़ी वाली छतरी जो है वो राजा जसवंत सिंह का है, और ये सारी छोटी छोटी छतरियाँ जैसे मैंने बताया कि सारे रॉयल क्रीमेशन यही होती है, तो उन सब राजाओं की होगी। और एक्चुअली ये जो बना है ना 1899 में बनाया, तो प्रिटी मच न्यू है, इतना पुराना भी नहीं है। देखो कार्बन वगैरह कितना अच्छा लग रहा है, ये मार्बल का बना हुआ है ना सुधा। हाँ मार्बल, मार्बल एंड रेड स्टोन का कॉम्बिनेशन है जो मतलब इंट्रिकेट उनका कार्विंग्स है ना वो बहुत अच्छा है भाई। राजस्थान है तो वो तो देखने को ही मिलेगा ही, है ना। ये देखिए ये सारी छोटी छोटी छतरियाँ हैं, दैट मीन्स ये सारे रॉयल फैमिली के ही छतरियाँ हैं। पता है क्या, सबसे पहले हमने बीकानेर की छतरियाँ दिखाई जो राजाओं की थी, जैसलमेर की छतरियाँ दिखाई जो ब्राह्मण की थी वो राजाओं की नहीं थी, और ये अगेन जोधपुर की छतरियाँ है जो अगेन राजाओं की है।
तो अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखा हो पिछली वाली तो प्लीज जाके देखिएगा। चलो हम वहाँ तक तो नहीं जाएंगे, बट वहाँ पे भी लिखना है प्लीज रिमूव शूज अंदर जाने से पहले। अगर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, जहाँ पे राजा महाराजाओं का छत्रिया है वहाँ पे ना वो हमको बोलते हैं जूते निकालने के लिए। जैसलमेर में हम गए थे वो ब्राह्मण की छत्रियों पे, वहाँ पे कोई शूज वूज निकालने का रूल नहीं था। राजा महाराजाओं को हम होमेज पे करते हैं। अच्छा जगह है, थोड़ा महसूस करो। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का जो नेचुरल एस्पेक्ट है ना वो देखने लायक है। छत्रिया तो है ही है, उससे भी अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ दिख रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट, ये देखिए बीच में ऐसा फाउंटेन बना हुआ है जैसे कि मैं कह रही हूँ। खूबसूरत तो बनाया ही है, नेचुरल एस्पेक्ट तो है ही अच्छा। और ऐसे ये देखिए फाउंटेन, और यहाँ से देखिए छतरी, इतना बड़ा छतरी मैंने अभी तक नहीं देखा। यू नो इतने भी छतरी, हाँ महाराजाओं की छतरियाँ मैंने देखी है, इससे बड़ा छतरी कहीं भी नहीं है। बहुत ही बड़ा छतरी बना है। आई थिंक मुझे लगता है मुगल से थोड़ा इंस्पायर हो गए होंगे ना, क्योंकि मुगल जो है ना वो बड़े बड़े वो बनाते थे, मॉन्यूमेंट्स बनाते थे ना। अब मेरे क्योंकि वो 1899 में बना हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत तो मुगल का इन्फ्लुएंस है। बहुत बड़े राजा थे, तो ये जो है ना मुगल इंस्पायर है, इसके जो कारीगरी है ना वो मुगल इंस्पायर है। और पूरे ताजमहल की तरह ही लगे नो इट हैज दैट स्पेस टू गो अराउंड। पूरे किले का ही हिस्सा था। और आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये दिखा दिखा इधर दिखा इधर दिखा, वो देख रहे हो गीज पानी में तैर रहे हैं। क्या कॉमन है ये बताइए, क्या कॉमन है सीताराम बताओ। अरे मेरे घर के पीछे क्या आता है, हाँ इधर दिखा लो, मेरे घर के पीछे भी ये गीज ना तैरते हैं पानी में। ये देखो सेम गीज यहाँ आ गए आज मेरे पीछे। देखो उस टाइम की इंजीनियरिंग कैसी थी ना, हम बोलते हैं ना आजकल टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है, लेकिन ये देखो ये जो बनाया है ऐसे ढलान है ना, तो बारिश जब होती है तो, और ये पथरीला ज़मीन है ना, तो बारिश जब होती है तो सारा पानी जो है ना ऊपर से नीचे ऐसे खाई में आके जम जाती है, तो यहाँ पानी कभी कम नहीं होती है ना। और पथरीला है चूँकि तो पत्थर पानी सोचता नहीं है ना, तो ये सारा पानी जो है यहाँ जमा हो जाता है। क्या आइडिया लगाया। और ये जो है बैक साइड है छतरी का, और बैक साइड और फ्रंट साइड ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, इट्स जस्ट दैट यू नो ओवर देयर। देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप हिस्ट्री किताबों में पढ़ो कुछ भी करो, लाइक जब आप आँखों से देखने जाते हो ना वो जगह, तो हिस्ट्री अनफोल्ड्स बाय इटसेल्फ। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये देखो ये जो मॉन्यूमेंट है ना, इन्होंने ताजमहल से इंस्पायर होके ही बनाया है। कुछ चीज़ों इन्होंने सीखा,
कुछ चीज़ों मुगलों ने हमसे सीखी, बहुत सारी चीज़ें मुगलों ने हमसे सीखी और हमने भी कुछ इनसे सीखा। तो ये जो पूरा बनाया है ना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ताजमहल का कॉन्सेप्ट है, लाइक ऑल द वे अराउंड। और जमुना नदी साइड में, तो ये देखो यहाँ पे भी ये तालाब है और मॉन्यूमेंट्स भी वाइट मार्बल का बनाया हुआ है, तो दैट इंडिकेट्स समथिंग। मार्बल जो है वो येलो हो गया है, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा ना वाइट करने के लिए। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, अंदर का भी नज़ारा देखेंगे। पहले आपको शूज़ निकालना होगा, तो हम शूज़ निकाल लेंगे। फोटो लगी हुई है, जितने भी मारवाड़ के जोधपुर के राजा थे, राठौड़, सबके तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखो अगेन जोधपुरी वर्ड है ना, ये टिपिकल जोधपुरी वर्ड। ये जो है जसवंत सिंह की मेन चित्र है, तो उनकी मेमोरी में सब कुछ बना के रखा हुआ है। और ये सारे राठौड़ राजा जो थे उनकी तस्वीरें लगी हुई है। और ये खूबसूरत जोधपुरी कारीगरी, इतना अच्छा लगता है। कलर्स भी इतने अच्छे हैं ना, ब्लू एंड ग्रीन। और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है, ये भी राजा की मेमोरी। हाँ, ऐसे रखकर इसी से सेट कर दो। हाँ देखो, पत्थर का ही भी है ना सब। देखिए दिख रहा है जोधपुर सिटी, और यहाँ पे भी छोटी छोटी छपरियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे जो रॉयल फैमिलीज के ही हैं। ये देखो लाइन से ही बनी हुई है ना। हाँ, ये बिल्कुल पीछे दिख रहा है अपना मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे सारे छत्रियां हैं। वैसे यहाँ पे ना कुछ लिखा नहीं है कि किसकी छत्रियां हैं। अब हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई भी 1899 के बाद जितने भी राजा हुए होंगे आज़ादी से पहले, क्योंकि आज़ादी के बाद तो राजतंत्र चला गया था, तो उनका जो है सारी छत्रियां हैं। और आज़ादी के बाद भी अभी भी जो रॉयल फैमिली एग्जिस्ट करते हैं, शायद उनका भी यहीं पर होता होगा। देखो यहाँ पे खिला हुआ है एक कमल, पर्पल कमल, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये सारी छत्रियाँ जो है ना राजा महाराजाओं की ही हो सकती है। हम आम लोगों के लिए तो भाई क्या है, हम सिर्फ आके ये देख सकते हैं। तो राजा महाराजा बनके जीना है तो अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। नहीं सही बात है। पहले जब मैं जोधपुर आई थी तो सारा घर जो है ना उनके बैक साइड तो ब्लू से पेंट किया ही होता था, लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ इन्होंने ब्लू कलर का ना सब निकाल दिया है। कुछ कुछ घरों में ही ब्लू दिखता है, बाकी नहीं दिखता है। पहले बहुत अच्छा दिखता था, लाइक ऑल ब्लू दिखता था ना, तो ब्लू सिटी भी कहलाता था। लेकिन आज तो मैं इतना ज़्यादा ब्लू नहीं देख रही हूँ ना, शायद लोग भूल गए वो ट्रेडिशन, उनको फिर से रिवाइव करना चाहिए।
जल्दी फेड हो जाता है। हाँ जल्दी हो, उसकी वजह से ये थोड़ा चेंज। देखो यहाँ से उम्मेद भवन भी दिखता है, बहुत फॉगी है। और यहाँ से देखो किला जो है वो दिखता है, मेहरानगढ़ किला जो है ना प्राइवेट किला है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, तो इसलिए अंदर आप जाके देख सकते हो ना। और बहुत ही अच्छा है, बहुत अंदर बहुत ही अच्छा बना के रखा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि सारे किले तो गवर्नमेंट के हो गए, एक्सेप्ट एक दो किले हैं जो अभी तक प्राइवेट हैं। राजाएं, यहाँ के राजाएं चलाते हैं ना, इनकी रेवेन्यू जो है राजाओं को जाती है ना। जबकि ऑलरेडी इनके पास उम्मेद भवन है, ये क्यों नहीं गवर्नमेंट ने लिया? शायद उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया होगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छी जगह है इसे देखने के लिए। और मेरे मन में ये सवाल फिर भी है कि मेहरानगढ़ फोर्ट गवर्नमेंट का क्यों नहीं है? हो सकता है उनका कुछ अपना डील हो, लेकिन कुछ भी हो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप जोधपुर आए तो ये जगह ज़रूर देखिएगा, जसवंत हाडा। जिन लिख दो चूड़ ले चूड़ ले।